हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज हम ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में स्टडी करेंगे ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग क्या होता है और इसमें फिल्म को कैसे प्रोसेसिंग की जाती है आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो आइए जानते हैं ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में ऑटोमेटिक प्रोसेसर एक्सरे फिल्म ऑटोमेटिक प्रोसेसर इज कॉन्सिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रोलर्स विच ट्रांसपोर्ट द फिल्म थ्रू डेवलपर फिक्शर वॉशिंग एंड ड्राइंग सेक्शन ऑफ द सिस्टम मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेसर में रोलर्स की एक सीरीज होती है जो सिस्टम के डेवलपर फिक्शर वॉशिंग एंड ड्राइंग सेक्शन के माध्यम से फिल्म को ट्रांसपोर्ट करता है ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग प्रोवाइड्स कॉन्सिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म रेडियोग्राफ्स मतलब ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म रेडियोग्राफ्स प्रोवाइड करता है द ऑटोमेटिक प्रोसेसर रिड्यूज फिल्म प्रोसेसिंग टाइम दैन द मैनुअल डेवलपमेंट मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेसर में मैनुअल प्रोसेसिंग की तुलना में फ़िल्म प्रोसेसिंग टाइम भी कम लगता है द टोटल डेवलपिंग टाइम इज़ ओनली नाइन्टी सेकेंड ऑटोमेटिक प्रोसेसर में टोटल डेवलपिंग टाइम नाइन्टी सेकेंड होता है और मैनुअल प्रोसेसिंग में इससे ज़्यादा टाइम लगता है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिल्म फ्रॉम वन सोल्यूशन टू द नेक्स्ट इज टू टेक प्लेस ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट्स मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेसर में एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन तक फिल्म का ट्रांसपोर्टेशन के बिना किसी एफर्ट्स मतलब बिना किसी प्रयास के ऑटोमेटिकली होता है अब ऑटोमेटिक प्रोसेसर के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं इसमें एट कंपोनेंट्स होते हैं द फिल्म एंट्री सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिप्लेनिशमेंट सिस्टम रिसर्कुलेसन सिस्टम वाटर सिस्टम ड्राई सिस्टम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो आइए इन सभी सिस्टम्स को एक एक करके जानते हैं फर्स्ट है द फिल्म एंट्री सिस्टम इसे फीडिंग ट्रे भी कहा जाता है द अपरेटस ऑफ द प्रोसीजर विच विल टेक द फिल्म इंटू द प्रोसेसर मतलब यह प्रोसेसर का वह अप्रेटस मतलब वह उपकरण है जो फिल्म को प्रोसेसर में ले जाता है फिल्म इज प्लैश इन द फीडिंग ट्रे नियर द डवलपिंग टैंक मतलब फिल्म को डेवलपिंग टैंक के पास फीडिंग ट्रे में रखा जाता है अस वी फीड फिल्म इंटू ऑटोमेटिक प्रोसेसर फॉलोइंग साइकिल ऑफ इवेंट आर एक्टिवेटेड मतलब जैसे ही हम फिल्म को ऑटोमेटिक प्रोसेसर में फीड या एंट्री करवाते हैं तो प्रोसेसर के इवेंट के साइकिल एक्टिव हो जाते हैं जैसे रिप्लेनिशमेंट सिस्टम एक्टिवेटेड यह सिस्टम रिप्लेनिशमेंट सिस्टम को एक्टिव करता है लाइट अबाउ फीड ट्रे एग्जीटिंग वाइज मतलब फीड ट्रे के ऊपर लाइट एक्जिटिंग वाइज मतलब लाइट ऑफ हो जाती है ड्राइव मोटर एनर्जाइड टू ट्रन द रोलर्स मतलब एंट्री सिस्टम के ड्राइव मोटर सिस्टम के रोलर्स को मूव करने के लिए एक्टिव करता है डेवलपर एंड फिक्सर रिप्लेनिशर पम्ड इन टू टैंक्स डेवलपर और फिक्सर को रिप्लेनिशर टैंक्स में पंप करता है वॉश वाटर फ्लोरेट बूस्टेड मतलब वॉश वाटर फ्लोरेट को बूस्टेड मतलब बढ़ाता है ए वार्निंग इन द फ्रॉम ए बेल और बजर इज यूज टू एल वेन द नेक्स्ट फिल्म इज टू बी इंसर्टेड मतलब एंट्री सिस्टम में एक बेल और बजर होता है जो यह वार्निंग देती है कि नेक्स्ट फिल्म को कब एंट्री टेम में एंटर करवानी है ड्रायर हीटर एक्टिवेटेड इसमें ड्रायर हीटर एक्टिव हो जाता है ऑटोमेटिक प्रोसेसर का सेकेंड कंपोनेंट्स है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्री पार्ट से मिलकर बना होता है रोलर स्क्विज असेंबली क्रॉसओवर असेंबली ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है रोलर्स ए सिस्टम ऑफ रोलर्स दैट मूव द फिल्म थ्रू द डेवलपर फिक्शर वॉशिंग एंड ड्राइंग सेक्शन ऑफ द प्रोसेसर मतलब रोलर्स एक वह सिस्टम होता है जो प्रोसेसर के डेवलपर फिक्शर वॉशिंग और ड्राइंग वाले सेक्शंस के माध्यम से फिल्म को मूव करते हैं रोलर्स फोर टाइप के होते हैं फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट रोलर फ्रंट एंड बैक पोजीशन इन रैक्स इन वन इंच डायमीटर मतलब यह वन इंच डायमीटर के रेक्स के फ्रंट और बैक साइड में होते हैं और यह बेसिकली फिल्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेकेंड है मास्टर रोलर यह थ्री इंच डायमीटर के होते हैं थर्ड है प्लानिटरी रोलर्स यह मास्टर रोलर्स के अराउंड में होते हैं फोर नंबर है इंट्रेंस रोलर्स यह फिल्म को पकड़कर डेवलपर की ओर भेजते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सेकेंड पार्ट है स्क्विज असेंबली मूव द फिल्म फ्रॉम द वॉश टैंक्स टू द ड्रायर मतलब यह असेंबली फिल्म को वॉश टैंक से ड्रायर में ले जाती है स्क्विज एक्शन रिमोव एक्साज वाटर फ्राम द फिल्म मतलब स्क्विज एक्शन फिल्म से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देता है थर्ड पार्ट है क्रॉश ओवर असेंबली मूव फिल्म फ्रॉम डेवलपर टू फिक्सर टैंक टू द वॉश टैंक यह असेंबली फिल्म को डेवलपर से फिक्सर टैंक और फिक्सर टैंक से वाश टैंक तक ले जाती है फोर्सेज सोल्यूशंस फ्रॉम फिल्म बैक इन द टैंक इट इज कमिंग फ्रॉम मतलब यह असेंबली फिल्म से सोल्यूशन को उस टैंक से वापस लाता है जिससे वह है आ रहा है ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर का थर्ड कंपोनेंट है रिप्लेनिशमेंट सिस्टम मेन फंक्शन कीप सोल्यूशन टैंक्स फुल एंड अश्योर प्रॉपर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन रिप्लेनिशमेंट सिस्टम का मेन फंक्शन यह होता है कि यह सॉल्यूशन टैंक्स को फुल भरा रखे और प्रॉपर सॉल्यूशन कॉन्स्टेशन को अशोर मतलब यह सुनिश्चित करता है डेवलपर एंड फिक्शर लेवल्स ड्रॉप अस फिल्म प्रोसेस्ड मतलब जब फिल्मों को प्रोसेस करते टाइम डेवलपर और फिक्शर का लेवल गिर जाता है तो डेवलपर रिप्लेस्ड लॉस्ट केमिकल तो यह लॉस्ट हुए केमिकल्स को रिप्लेस कर देता है इट कॉन्सिस्ट ऑफ रिप्लेसनियर टैंक्स फिल्टर्स एंड रिप्लेसमेंट पम्प्स यह सिस्टम रिप्लेसनियर टैंक फिल्टर्स, रिप्लेसमेंट पंप से मिलकर बना होता है दीज टैंक्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक यह टैंक स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक के बने होते हैं द डेवलपर रिप्लेनिशर टैंक हैज फ्लोटिंग लीड टू रिड्यूज ऑटो ऑक्सीडेंट ऑफ डेवलपर रिप्लेनिशर सोल्यूशन मतलब जो डेवलपर का रिप्लेनिशर टैंक होता है उसमें फ्लोटिंग लीड होती है जिनका काम होता है कि वह डेवलपर के ऑटो ऑक्सीडेंट को कम करता है द रिप्लेनिशर पंप ऑपरेट्स एन इलेक्ट्रिक मोटर विच फिल द सोल्यूशन अप टू टैंक लेवल मतलब रिप्लेनिशर पंप एक इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है जो टैंक लेवल तक सोल्यूशन फिल करता है द सिस्टम हेल्प्स द डेवलपर टू मेंटेन इट्स एल्कालिटी एंड स्ट्रेंथ मतलब यह सिस्टम डेवलपर की एल्कालिनिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखता है रिप्लेनिशमेंट टू टाइप के होते हैं फर्स्ट है वॉल्यूम रिप्लेनिशमेंट। ए वॉल्यूम ऑफ केमिकल्स आर रिप्लेस्ड फॉर ईच फिल्म दैट इज प्रोसेस्ड मतलब यह प्रोसेस्ड होने वाली प्रत्येक फिल्म के लिए केमिकल्स की वॉल्यूम या मात्रा को रिप्लेस करता है सेकेंड है फ्लूड रिप्लेनिशमेंट पेरियडिकली रिप्लेस नियर केमिकल्स रिग्राडलेस ऑफ द नंबर ऑफ फिल्म प्रोसेस्ड मतलब यह प्रोसेस्ड की गई फिल्म की मात्रा को रिग्राडलेस किए बिना ही समय समय पर केमिकल्स को रिप्लेस करता है फोर नंबर कंपोनेंट्स है सर्कुलेशन सिस्टम इट इज आल्सो नो एस रिसर्कुलेशन एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम मतलब सर्कुलेशन सिस्टम को रिसर्कुलेशन और फिल्ट्रेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है दिस सिस्टम प्रोवाइड्स एजिटेशन टू द सोल्यूशन स्टेब्लाइज सोल्यूशन टेम्परेचर एंड फिल्टर द सोल्यूशन यह सिस्टम सॉल्यूशन के लिए एजिटेशन प्रोवाइड करता है और सॉल्यूशन टेम्परेचर को स्टेबलाइज मतलब स्थिर करता है और सॉल्यूशन को फिल्टर करता है इट कीप द फ्रेश सॉल्यूशन इन कॉन्टैक्ट विद द फिल्म इमलसन एंड आल्सो फिल्टर डेब्रिज सच ए जिलेटिन पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन मतलब यह सिस्टम फ्रेश सोल्यूशन को फिल्म इमल्शन के कॉन्टेक्ट को बनाए रखता है और सोल्यूशन के उपलब्ध जिलेटिन पार्टिकल्स को भी फिल्टर करता है दिस सिस्टम आल्सो सर्कुलेट फ्रेश वाटर एवरी मिनट इन वॉशिंग टैंक यह सिस्टम वॉशिंग टैंक में हर मिनट फ्रेश वाटर भी सर्कुलेट करता है सर्कुलेटिंग पंप इज यूज टू सर्कुलेट डेवलपर एंड फिक्सर सोल्यूशन थ्रू वेरियस डिवाइस सर्कुलेशन सिस्टम में सर्कुलेट पंप का यूज विभिन्न डिवाइस के माध्यम से डेवलपर और फिक्सर सोल्यूशन को सर्कुलेट करने के लिए किया जाता है पाइप नंबर कंपोनेंट्स है वाटर सिस्टम द वाटर सिस्टम इज आइदर कोल्ड वाटर और टेम्पर्ड वाटर सिस्टम मतलब यह सिस्टम कोल्ड वाटर और टेम्पर्ड वाटर सिस्टम होता है दिस कॉन्सिस्ट ऑफ कोल्ड एंड हॉट वाटर सप्लाई फिल्टर्स मिक्सिंग वैल्यू फ्लो गॉज टेम्परेचर गॉज एंड हीट एक्चेंजर यह सिस्टम कोल्ड और हॉट वाटर सप्लाई फिल्टर्स मिक्सिंग वैल्यू फ्लो गोज टेम्परेचर गोज और हीट एक्चेंजर से बना होता है द वैल्यू कंट्रोल द फिल्ट्राइड वाटर फ्लो एंड टेम्परेचर एक्यूरेटली मतलब यह सिस्टम वैल्यू फिल्टर किए गए वाटर फ्लो और टेम्परेचर को एक्यूरेट कंट्रोल करता है द हीट एक्सेंजर बॉक्स कंटेनिंग ए सीरीज ऑफ ट्यूब्स थ्रू विच वाटर एंड डेवलपर रन मतलब हीट एक्सचेंजर बॉक्स जिसमें ट्यूब्स की एक सीरीज होती है जिसके थ्रू वाटर और डेवलपर रन करते हैं इट एब्जॉर्ब वेस्ट हीट फ्राम द डेवलपर मतलब यह सिस्टम डेवलपर से वेस्ट हीट को एब्जॉर्व करता है इन फिक्शर द हीट एक्सचेंजर पासज द वेस्ट हीट टू द वाटर फ्राम विच इज इट री एब्जॉर्बेड बाई फिक्शर मतलब फिक्शर में हीट एक्सचेंजर वेस्ट हीट को वाटर में बेचता है जिससे फिक्चर द्वारा रीअबर्व कर लिया जाता है सिक्स नंबर कंपोनेंट्स है ड्रायर सिस्टम इट रिमूव वाटर फ्रॉम द फिल्म बाय ब्लोविंग वार्म ड्राई एयर ओवर इट्स सरफेस यह सिस्टम फिल्म की सरफेस पर वार्म मतलब गर्म ड्राई एयर से वाटर को रिमूव करता है कंसिस्ट ऑफ ब्लॉवर वेंटिलेशन डक्ट वेंटेड ड्राई ट्यूब्स एंड एग्जॉस्ट सिस्टम मतलब यह सिस्टम ब्लोवर, वेंटिलेशन डक्ट वेंटेड ड्राई ट्यूब्स और एग्जॉस्ट सिस्टम से मिलकर बना होता है इफ़ नॉट ड्राई डिफिकल्ट टू हैंग ऑन वीविंग बॉक्स यदि फिल्म ड्राई मतलब सूखी नहीं है तो वीविंग बॉक्स पर हैंग करना डिफ़िकल्ट होता है इसलिए फिल्म को ड्राई करना जरूरी होता है द ब्लॉवर यूनिट जनरेट द एयर फ्लो विच इज ब्लोव ओवर द हीटर सिस्टम का ब्लावर यूनिट एयर फ्लो जनरेट करती है जिससे हीटर के ऊपर फिल्म को ड्राई किया जाता है ब्लावर ड्राउज इन एयर फ्रॉम रूम एंड पासेज इट अवर हीटिंग कॉइल्स ब्लावर रूम से एयर को खींचता है और इसे हीटिंग कॉइल्स के ऊपर से पास करता है हीटेड एयर इंटर्स वेंटिलेशन डक्ट एंड ड्राई ट्यूब्स एंड देन ब्लाउज आवर फिल्म मतलब गर्म एयर वेंटिलेशन डक्ट और ड्राई ट्यूब में इंटर करती है और फिल्म को ड्राई करती है सेवन नंबर कंपोनेंट्स है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम मेंटेनेंस डेवलपर फिक्सर एंड ड्रायर टेम्परेचर यह सिस्टम डेवलपर फिक्सर और ड्रायर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है डेवलपर का टेम्परेचर थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस फिक्सर का टेम्परेचर थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस वाश का टेम्परेचर 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और ड्रायर का टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस होता है ऑटोमेटिक प्रोसेसर का लास्ट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल पावर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द ऑटोमेटिक प्रोसेसर यह सिस्टम ऑटोमेटिक प्रोसेसर के ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करता है अब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के टाइम्स के बारे में बात करते हैं डेवलपर का टाइमिंग ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स फिक्सर का ट्वेंटी सेकेंड्स वाश का ट्वेंटी सेकेंड्स ड्रायर का ट्वेंटी फाइव से थर्टी सेकेंड्स और ट्रेवल टाइम टेन सेकेंड होता है ऑटोमेटिक प्रोसेसर का टोटल प्रोसेसिंग टाइम नाइन्टी सेकेंड होता है फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में ऑटोमेटिक प्रोसेसर के एडवांटेज और मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा